हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स ट्यूब एआर। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन शॉर्ट पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएम इज द रुक्स। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड रुक्स। द रुक्स इज अ पोएम व्हिच वाज रिटन बाय जाने यूफेमिया ब्राउन। ओके, सो द मीनिंग ऑफ रुक्स मीन्स लार्ज क्रोज। बड़े बड़े जो क्रोज होते हैं, जब बड़े एक साथ क्रोज एक टीम बना लेते हैं, उनको रुक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो रुक्स का मतलब है लार्ज क्रोज। ओके, सो इस पोएम पे टोटल 4 स्टैंजा है, सो हम लोग वन वन स्टैंजा करके एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, द फर्स्ट स्टैंजा, The rooks are building on the trees. They build there every spring. Caw caw is all they say, for none of them can sing. Okay, तो यहाँ पे क्या बोला है, ये poem जो है एक बच्चा क्या कर रहा है, rooks को देख रहा था। सब कौवे जो क्या करते हैं ट्री पे, वो देख रहा था। सो द रुक्स आर बिल्डिंग ऑन द ट्रीज। रुक्स जो क्या कर रहे हैं, सब लार्ज क्रोस क्या कर रहे हैं, ट्रीज पे घर बना रहे हैं। दे आर बिल्डिंग देयर होम ऑन द ट्रीज। दे बिल्ड देयर एवरी स्प्रिंग। सो व्हाट इज कॉल्ड स्प्रिंग? सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो दैट देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सीजन्स, लाइक समर सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन। तो स्प्रिंग सीजन में क्या होते हैं, नए नए पत्ते, नए नए फूल होते हैं पेड़ पर। ठीक है, तो रुक्स जो क्या करते हैं, स्प्रिंग सीजन पे अपना घर बनाते हैं। सो स्प्रिंग सीजन पे वो अपना घर बना रहे हैं ट्रीज पे। कॉ कॉ इज ऑल दे से। हाँ, आपको तो पता ही है रुक्स कैसे बुलाते हैं, कॉ कॉ करके, मतलब उन लोगों को, वो लोग साउंड करते रहते हैं। तो यही बोल रहे हैं पोएट के, कॉ कॉ इज ऑल दे से, वो लोग कॉ कॉ करके हमेशा बात करते रहते हैं, फॉर नन ऑफ देम कैन सिंग। उन दोनों को, उन सबको तो गाना नहीं आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, कॉ कॉ करके पुकारते रहते हैं। सो फर्स्ट स्टैंजा इज कम्प्लीट, आई होप एवरी वन हैज अंडरस्टूड। नाउ कम्स टू सेकेंड स्टैंजा। दे वेयर अप बिफोर द ब्रेक ऑफ डे एंड अप टिल लेट ऑफ नाइट, फॉर दे मस्ट लेबर बिजीली एज लॉन्ग एज इट इज लाइट। अच्छा, सेकेंड स्टैंजा पे यही बोले हैं कि दे वेयर अप बिफोर द ब्रेक ऑफ डे एंड अप टिल लेट एट नाइट। वो जो क्या करते हैं, रुक्स जो क्या करते हैं, अपना घर बनाने के लिए सुबह सुबह एकदम सवेरे सवेरे उठ जाते हैं और रात रात तक, देर रात तक वो सब काम करते थे। क्या काम? सो स्टूडेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग? दे आर बिल्डिंग देयर हाउस ऑन द ट्रीज। ओके, फॉर दे मस्ट लेबर बिजीली एज लॉन्ग एज इट लाइट। सो वो लोग क्या करते, पूरे दिन काम करते रहते हैं, उन लोगों का घर बनाते रहते हैं अच्छे से। थर्ड स्टैंजा, एंड मेनी अ क्रूक स्टिक दे ब्रिंग एंड मेनी अ स्लेंडर ट्विक एंड मेनी अ टफ्ट ऑफ मॉस अंटिल देयर नेस्ट अराउंड एंड बी। अच्छा, यहाँ पे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा क्रूक्ड स्टिक का मतलब क्या है। क्रूक्ड स्टिक मतलब बैंड, बैंड यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा जो लकड़ी मिलता है ना वैसा। स्लेंडर ट्विक, नैरो एंड फाइन। स्लेंडर का मतलब है नैरो एंड फाइन। टफ ऑफ मॉस, टफ का मतलब है स्मॉल बंच। और हाँ, तो यहाँ पे क्या बोले हैं, रुक्स जो क्या करते हैं, सबको तो पता ही है बर्ड्स कैसे घर बनाते हैं, जो मतलब ज़मीन पे पड़े हुए जो क्या बोलते हैं, छोटे छोटे पत्ते, फिर रस्सी, फिर झाड़ियों से अपना छोटा छोटा जो लकड़ी मिलता है, वो लोग अपने चोंच से उठा लेते हैं, बिक से उठाकर अपने पेड़ पर लेके जाते हैं, उनसे अपना घर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन पे यही बोले कि एंड मेनी अ क्रूक स्टिक दे ब्रिंग, वो लोग तेरा सब जो क्या है, स्टिक जो मिलता है वो लेकर आते हैं। एंड मेनी अ स्लेंडर ट्विक, नैरो एंड फाइन, जो पतला पतला जो पेड़ पर डाल होता है, पतला पतला सा, वह सब लेकर आते हैं, एक एक इकट्ठा करके एक बंच बनाते हैं। बंच मतलब इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके वो सब ऊपर लेकर जाते हैं और अपना नेस्ट जो है, अपना घर जो है, जब तक बड़ा नहीं हो जाते, वो लोग सब बनाते ही रहते थे। क्योंकि क्रोस
पता ही है क्रोस का बॉडी तो लार्ज होता है ना, तो उन लोगों का घर छोटा होने से तो नहीं होगा, तो उन लोगों को बड़ा सा घर चाहिए। ठीक है, तो जब तक उन लोगों का घर बड़ा नहीं हो जाता है, वो लोग अपना क्या करते हैं, घर को बनाने के लिए बड़ा करते रहते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा, कॉको व्हाट अ नॉइज दे मेक इन रेनी वेदर, गुड चिल्ड्रन ऑलवेज स्पीक बाय टर्न्स, बट रुक्स ऑल टॉक टुगेदर। अच्छा, अभी क्या बोला है, एक लड़का जो है, देखो फोटो पे एक लड़का है, वो देख रहा था, ठीक है, तो वो बोल रहा, ओ कॉको व्हाट अ नॉइज, कॉको करके वो कैसे साउंड करते हैं, दे मेक इन रेनी वेदर, रेनी वेदर पे क्या करते हैं, वो ज़्यादातर कॉको करते रहते हैं। गुड चिल्ड्रन ऑलवेज स्पीक बाय टर्न्स, पॉय जो क्या बोला है, गुड चिल्ड्रन, अच्छे बच्चे क्या करते हैं, दे ऑलवेज स्पीक व्हेन टर्न्स कम, जब उनका समय आता है, उनका टर्न आता है, तब बात करते हैं। बट रुक्स ऑल टॉक टुगेदर, लेकिन लार्ज क्रोस क्या करते हैं, सब एक ही साथ में चिल्लाना स्टार्ट कर देते, करते कि नहीं, जैसे कि कॉक, उन लोगों को आप बोलो भी, इफ़ वी टेल देम टू स्टॉप, दे विल नॉट स्टॉप, बिकॉज दे आर रुक्स, दे आर क्रोस, सो दे विल कीप ऑन शाउटिंग कॉक, बट गुड चिल्ड्रन नेवर शाउट लाइक दिस, गुड अच्छे बच्चे क्या करते हैं, जब उनका टर्न आता है तभी वो सब बात करते हैं, बट रुक्स जो क्या करते हैं, जब एक साथ इकट्ठा होकर चिल्लाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप दिस ऑडियो क्लिप विल हेल्प यू अ लॉट, मैं ट्राई करूँगी और ज़्यादा पोएम आप लोगों को समझाने के लिए थ्रू माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय।